क्या वो है कलयुग का श्रवण कुमार जो स्ट्रेचर पे लाया अपनी माँ को कराने ताज का दीदार। उसे कलयुग का श्रवण कुमार कहा जाए या फिर बदले हुए जमाने में एक मिसाल, बात कुछ भी हो लेकिन अब तक किताबों में पढ़ी और लोगों से सुनी कहानियों का वो ऐसा किरदार है जिसे हम हकीकत में देख रहे हैं। ये बदलते जमाने की एक ऐसी तस्वीर है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। व्हीलचेयर से बने स्ट्रेचर के पास खड़ा ये शख्स ख्वाजा मोहम्मद इब्राहिम है और स्ट्रेचर पर लेटी महिला इब्राहिम की 85 वर्षीय माँ है। स्ट्रेचर पर अपनी माँ को लेकर आगरा पहुँचे इब्राहिम यहाँ अपनी माँ का इलाज कराने नहीं बल्कि उनकी अंतिम इच्छा के मुताबिक उन्हें ताज का दीदार कराने आगरा आए हैं। गुजरात के कच्छ से यूपी तक का हजारों किलोमीटर का सफर तय कर अपनी माँ को लेकर आगरा पहुँचे इब्राहिम इस कलयुग में त्रेता युग के श्रवण कुमार के किरदार निभा रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि पूरा माजरा क्या है। दरअसल इब्राहिम की 85 साल की बुजुर्ग माँ 32 साल से स्ट्रेचर पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं। जब उन्होंने इब्राहिम से ताज को देखने की अंतिम ख्वाहिश जताई तो व्हीलचेयर पर बने स्ट्रेचर पर इब्राहिम अपनी माँ को लेकर आगरा पहुँचे तो वहाँ मौजूद ASI के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनकी पूरी मदद की। आप देख सकते हैं कि ये मेरी माता जी है जो 85 ओल्ड है और 32 साल से बेड में है। इनका स्कॉलर का ऑपरेशन हुआ था वो फेल गया है। अब जब से 32 ओल्ड मतलब 32 साल से ये बिस्तर में थी और आखिर में मुझे इन्होंने कहा कि मुझे आगरा जाना है। मैंने कहा आगरा कहाँ जाना है, तो बोले अकबर बादशाह के ज़माने में जो हमारे शिया जस्टिस थे, चीफ ऑफ जस्टिस थे, उनको शहीद किया गया है जहांगीर के ज़माने में, तो उनके मज़ार पे ज़्यारत के लिए जाना चाहती हूँ। मैं उनको आगरा ले आया, बड़ी मुश्किल से बाय ट्रेन लाम लोग आए हैं और उसके बाद वहाँ पे इन्होंने उनके दर्शन किए, उनकी ज़्यारत की, उनके मज़ार पे वहाँ हम लोगों ने हाज़िरी दी और उसके बाद मैंने कहा और कहीं आप जाना चाहती हैं, आप घूमना चाहती हैं, तो उन्होंने इच्छा जताई कि हाँ अगर हिम्मत हो तो मैं ताजमहल भी देखना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे ताजमहल इनको दिखाने के लिए ले आया था। लेकिन यहाँ पे प्रशासन की तरफ से ये है कि आप स्ट्रेचर अंदर नहीं ले जा सकते, व्हीलचेयर वाला इंसान अंदर जा सकता है लेकिन स्ट्रेचर वाला इंसान नहीं जा सकता। लेकिन प्रशासन को मैंने दिखाया कि देखिए ये है स्ट्रेचर पोजिशन में लेकिन वो व्हीलचेयर पर ही है, तो वो आए, पूरी टीम ने इनको देखा और चेकअप किया कि ना पेशेंट सही है एकदम और अंदर जा सकता है। जब प्रशासन ने इनको अंदर जाने की परमिशन दी तो मैं ताजमहल के पूरी टीम से, यहाँ के प्रशासन का, यहाँ के स्टाफ का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और उन्होंने मुझे अंदर जाने की परमिशन दी और मेरी माँ का ये आखिरी जो मेरा सफ़र, ये यहाँ का जो आगरा का जो सफ़र था वो पूरा हुआ और मैं प्रशासन का बहुत बहुत आभारी हूँ। बदलते हुए जमाने में जहाँ आज के अखबार माता पिता और बेटे के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली तमाम खबरों से भरे हैं, वहाँ इब्राहिम जैसी तस्वीरें एक मिसाल से कम नहीं होती। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।